सभी बच्चों का स्वागत है आज। ठीक है ना, तो जैसा कि हम लोग अभी प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़े हैं, क्लास 12th का पहले चैप्टर में हम लोग चौथा टॉपिक पढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो आज पांचवा टॉपिक पढ़ने की बारी है जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो डाइपोल एक बहुत बड़ा पैकेज है, इससे आपको समझिए हर साल क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए इस डाइपोल नाम के चीज को शुरुआत से चालू करते हैं और अंत कर देते हैं। ठीक है, तो ध्यान से आपको खाली देखने की जरूरत है। ठीक है, अब देखो बच्चे लोग, सबसे पहले हम लोग यहाँ चर्चा करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। किसके बारे में चर्चा करते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहले डाइपोल क्यों आया, ये शब्द क्यों आया, ये टॉपिक क्यों इसमें आया, उसके पीछे भी कुछ कारण को समझिए। बिना मतलब के यहाँ कोई चीज नहीं है सिवाय आपके। ठीक है, तो H2O, जब मॉलिक्यूल्स का आप अध्ययन कीजिएगा OH, तो आप जो केमिस्ट्री वाले सर बोलते होंगे कि बॉन्ड बनाया जाता है ना, बॉन्ड। ठीक है ना, तो बॉन्ड बनता है। तो क्या होता है कि जब ये बॉन्ड वगैरह की बातें हो रही होती है तो बॉन्ड बॉन्ड क्या होता है सो बताइए। आप हमको एक बात बताइए, बॉन्ड किस चीज का नाम है? ठीक है, बॉन्ड किस चीज का नाम है? तो ये कहिए कि सर ये इलेक्ट्रॉन देता है, वो इलेक्ट्रॉन लेता है, शेयरिंग की बात होती है। देखो बच्चे लोग, यह क्या होता है, इस पे जैसे ही यहां से देता है तो यहां पे चला आता है प्लस डेल्टा। ठीक है, यहां पे आ जाता है माइनस डेल्टा। ठीक है, तो एक पर अगर स्लाइटली, डेल्टा का मतलब होता है छोटा सा, तो एक पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक पर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये दोनों आपस में एक फोर्स से क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। अब जितना अधिक ये चार्ज उसको शेयर करेगा उतना तगड़ा फोर्स से आपस में जुटा होगा। ये बॉन्डिंग क्या होती है, देखो बुआ, भय बिन होत न प्रीति। आप कई लोग सुनते होइएगा दहेज के बारे में। ठीक है ना, तो दहेज क्या होता है वो जरा समझिएगा। दहेज के मतलब एक ऐसा प्रथा होता है जिससे कोई आदमी किसी को कोई चीज दे रहा होता है या कोई चीज, तो एक समाज हमारा एविडेंस बनता है। ठीक है ना, एविडेंस मतलब गवाह बनता है। अब क्या होता है, कोई जितना ज्यादा दहेज देता है उतना ही ज्यादा वो समझिए एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। ये कई केसेस में अलग भी हो सकता है, उल्टा भी होता है। ठीक है ना, बट एक तरह का यह एहसास दिलाता है कि अगर कभी, मान के चलिए कभी पति पत्नी में नहीं पट रहा है और सोच रहा है कि हम झगड़ा हो गया अब हम छोड़ के चले जाए, तो वो क्या बोलती है, आप ऐसे सुनते हो, ऐसे चल जाओ बहू। ठीक है ना, बहुत रुपया लेके आए थे, सारा रुपया हमारे पापा को वापस कर। वो भी सोच के दंग हो जाता है, साला 20,000 की सैलरी है, 20 लाख रुपया दहेज ले चुके हैं, अब हम वापस भी करना होगा पैसा तो कहाँ से करेंगे, सह लेते हैं। सिंपल बात है, इतना मोटरसाइकिल, मतलब इतनी सारी चीजें उसको दे देती है कि कभी दिमाग में आता भी है कि हमको वापस इसको भेज देते हैं तो उसके साथ कई सारी चीजें वापस भेजनी होगी, इसी के लिए वो डर जाता है, नहीं नहीं भैया छोड़ दो, है ना, और पैसा वो सील को ले जाता है। तो समझिए समान एक बॉन्डिंग होता है जिससे वो क्या होता है, आपस में जुड़ा हुआ होता है, उसके बाद भावनात्मक चीजें भी काम साथ में आती है। तो ये एक बेसिक टर्म है कि भैया आप ये समझ सको कि दहेज क्या एक तरह का बॉन्डिंग है, उसी तरह ये भी क्या हुआ, एक तरह का क्या है, बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग का मतलब हुआ कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो आपस में किसी फोर्स, किसी न किसी फोर्स के सहारे आपस में जुड़ा हुआ है। तो यहां पर जिस फोर्स के सहारे वो जुड़ा होगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो बॉन्ड कुछ नहीं होता, सारा फोर्स होता है, प्लस माइनस के बीच में फोर्स लगता है। तो ये प्लस इस या एच इस ओ के पास यूं ही रुका रहता है जब इसके पास कोई मतलब होता है, बिना मतलब के कोई नहीं रुका होता आपके पास। ठीक है ना, मतलब होगा तो लोग आपके साथ रहेंगे, मतलब खत्म हो जाएगा, मतलब निकल जाएगा, लोग आपको छोड़कर निकल जाएंगे। ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है। फिर आप उसके लिए लाख कुछ किए हो, कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंत में लोग यही एक झटके बोल के चले जाएंगे, किया ही क्या तुम मेरे लिए। ठीक है, तो खैर बच्चे लोग, यहाँ पे पॉजिटिव डेल्टा और यहाँ पर नेगेटिव डेल्टा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इस तरह से क्या हुआ, बॉन्ड बना। तो यहाँ पर इसके बीच की दूरी भी होगी। ठीक है ना, तो ये दूरी जितना अधिक होगा प्रभाव उतना अधिक पड़ेगा या कम पड़ेगा वो हम बाद में देखेंगे, पर आप इतना समझ लीजिए किसी से एक टर्म का जन्म हुआ। टर्म का क्या जन्म हुआ, कि मतलब यहाँ पे अगर मान के चलिए माइनस क्यू चार्ज है, तो जितना माइनस होगा उतना ही प्लस होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा वो इसी पे चला जाएगा। तो मतलब एक पे माइनस क्यू चार्ज, एक पे प्लस क्यू चार्ज, दोनों के बीच की कुछ दूरी होगी, उस दूरी को मान लेते हैं 2a। 2a का मतलब हुआ एक दूरी हो गया इस वाले एटम का और एक दूरी हो गया इस वाले एलिमेंट का, मतलब एटम का। तो क्या हमारे पास दो एटम को मिलकर मिला के बना रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे 2a। तो अब सवाल देखिए, यहां पर दो चार्ज है तो डाई बोलेंगे, दो मतलब डाई, और एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, मतलब दोनों एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो ऐसे को बोलते हैं पोल। नहीं बोलते, पोल पर से लाइन खींच के लिया, मतलब पोल पर आपको पॉजिटिव भी मिल जाएगा, ठंडा भी मिल जाएगा, पोल पे गर्म भी मिल जाएगा। तो जहां दो अपोजिट चार्ज चीजें एक साथ रहती है उसको हम लोग पोल कहते हैं, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल नॉर्थ पोल। तो कहने का मतलब यहाँ पर वही हुआ, डाई पोल। अब चूंकि यहाँ पे चार्ज की बात है इसीलिए यहाँ पे हम लोग कहते हैं, यहाँ पे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है,
यहाँ पे हम लोग कहते हैं पांचवा नंबर में इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसको पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं बउआ, ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या होगा कि दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस, मैं इसको यहां से खसका देता हूं, ठीक है ना। तो कोई पूछेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहते हैं, तो दो इक्वल है और अपोजिट है तो क्या बोलेंगे, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस। अब बताइए एक मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी कितनी हो सकती है, बहुत कम। तो क्या बोलेंगे, इफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहां पर क्या बोलेंगे, इट इज डिफाइंड एज द, इट इज डिफाइंड एज द टू टू इक्वल एंड अपोजिट, इफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज सेपरेटेड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस, या स्मॉल डिस्टेंस भी लिख सकते हो, स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक। अब यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। अब सर अगला टॉपिक आप क्या पढ़ाने वाले, एक बार रिपीट कर लीजिए, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, इट इज डिफाइंड एज द टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन आता है कि इसके बाद क्या है। मैंने आपको बता रखा है कि इस दुनिया में आप देखिएगा ना, तो शादी करने के लिए तीन चीजें बहुत जरूरी है। सबसे पहला, लड़का कमाता है कि नहीं कमाता है, कितना कमाता है, किस रास्ते से कमाता है। तो सबसे पहले दो चार्ज के बीच में डाइपोल है कि नहीं, तो यस। कितना है पता नहीं, डायरेक्शन पता नहीं, तो अब हमको पता लगाना है कि कितना है, हाउ मच, मतलब कितना डाइपोल एग्जिस्ट करता है। तो एक बात बताओ, जो HCl में होगा क्या H2O में भी सेम होगा, नहीं, सबका अलग अलग होगा, तो कितना होगा हमको बताइए। तो हम अभी फॉर्मूला पता करने के लिए हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, नए टर्म का नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको पी से डिनोट करते हैं। तो आप कहिएगा सर इलेक्ट्रिक डाइपोल क्यों पढ़ते हैं, तो मॉलिक्यूल्स के बीच के जो चार्ज और दूरी का कॉम्बिनेशन उसके स्ट्रेंथ को पता लगाने के लिए किसको पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को क्यों पढ़ते हैं, तो सर देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल का वैल्यू पता करने के लिए इसको पढ़ते हैं। तो इसका नाम मोमेंट क्यों पड़ा, देखो बच्चे लोग, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इस दुनिया में जहां भी मोमेंट वर्ड लगा हो ना, समझ जाना कि उसका संबंध डिस्टेंस से होगा, ठीक है ना। जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क, उसका संबंध डिस्टेंस से, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, उसका संबंध मोमेंट से, मोमेंट ऑफ इनर्सिया, उसका संबंध दूरी से, जहां भी संबंध दूरी से होगा वहां पर मोमेंट वर्ड लगता है। तो यहां पर भी सेम संबंध है, देखिए कैसे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो कुछ ऐसे समझिएगा, ठीक है, कि यहां पर एक नेगेटिव चार्ज है और यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, दोनों के बीच की दूरी हमारे पास 2a है, ठीक है, बीच की दूरी 2a है, ठीक है। अब यहां पे कहता है कि डाइपोल मोमेंट को डिनोट किससे करते हैं, पी से। तो कहते हैं देखो एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, तो कहते हैं मॉड लगा दो, किसी भी एक चार्ज को लिख दो, क्योंकि दोनों पे तो इक्वल है ना, अपोजिट चार्ज है, तो एक से भी हमारा काम चल जाएगा। किसी एक चार्ज को लिख दो और उसके बीच की दूरी को लिख दो, ठीक है ना, मैंने बोला है ना दूरी के साथ रिलेशन होगा तभी मोमेंट लगा होगा, ठीक है ना। इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे बउआ, अभी मैं इस को हटा देता हूँ, अभी वेक्टर को हटा देता हूँ, अभी मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ, डायरेक्शन की बात बाद में करूंगा। तो क्या बोलूंगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो किसे कहते हैं बउआ, तो इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट है किसका, प्रोडक्ट है आइदर, आइदर मतलब कोई एक। तो क्या बोलेंगे, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, फिर से बोलिए, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर मैग्नीट्यूड, आइदर मतलब होता है एक, मैग्नीट्यूड मतलब होता है उसका, मतलब कि डायरेक्शन नहीं चाहिए, मतलब कि माइनस प्लस नहीं चाहिए। तो क्या बोलेंगे, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, इट इज डिफाइंड एज द, इट इज डिफाइंड एज द
प्रोडक्ट ऑफ आइदर आइदर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इच कॉल्ड क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, क्या कहलाएगा बुआ? इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अच्छा, इसको डिनोट किससे करते हैं? तो इट इज डिनोटेड बाय पी वेक्टर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये डेफिनेशन लिख देना है, पूछा हुआ भी है, मैं बता दूंगा किस साल पूछा हुआ है। डेफिनेशन, ये पिक्चर, ये फॉर्मूला, ठीक है। तो अब सवाल आता है कि इसका फॉर्मूला हो गया, पॉइंट नंबर पहला बताइए, ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैंने बोला है ना, इस चैप्टर में आने वाले हर कुछ क्या मिलेगा आपको? वेक्टर। अगले चैप्टर में हर कुछ क्या मिलेगा? स्केलर। तो यहां पर क्या बोलेंगे बुआ? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर। अच्छा, वेक्टर है तो इसकी दिशा भी होगी, तो इसकी दिशा नेगेटिव से पॉजिटिव माना गया। किधर माना गया बुआ? नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है ना। डायरेक्शन ऑफ पी इज नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, किधर से किधर माना गया है? नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर। अब सवाल है, इसका एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट, तो देखो फॉर्मूला है क्यू इंटू टू ए, तो क्यू को बोलते हैं कूलम, और टू का तो कुछ नहीं होता है, और ए मतलब दूरी, तो दूरी का होता है मीटर, यानी कूलम इंटू मीटर। ओके, अच्छा, इसी को डीवाई बोलते हैं, डीवाई यानी डी, ठीक है। अच्छा, चौथा इसका डायमेंशन, डायमेंशन तो क्या होगा? ए टी, और एम का एल, ए टी एल, ठीक है। क्या होता है बुआ? ए टी एल, पांचवा, ठीक है ना, डायमेंशन क्या होता है? एटीएल। तो इतना से हमारा काम चल जाएगा। तो आई थिंक आपने इलेक्ट्रिक डायपोल किसे कहता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है, आप इसको समझ चुके हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में आप जान चुके हैं, ठीक है। तो अब सवाल आता है कि क्या इस पर एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, तो मैं एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं उसको देख लेता हूँ, फिर आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। तो चलिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है क्या कहीं? नहीं, फिर हमको एनसीईआरटी के लिए एक काम करते हैं, पहले हम लोग पूरा इलेक्ट्रिक डाइपोल का कंप्लीट पैकेज पढ़ ही लेते हैं, उसके बाद फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है, वरना फिर हमको डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ से। तो चलिए एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। वीर तुम बढ़े चलो, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, देखिएगा, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है वेन वेन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन साइड यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो हमको क्या क्या फाइंड आउट करना है? तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स या वगैरह ये सब रहता ही रहता है, इसीलिए आप इसको बड़ी ध्यान से देखिएगा। और ये केवल आपको ऐसा नहीं कि 11 फर्स्ट चैप्टर में ही काम आएगा, ये आपको क्लास 12th के 5वें चैप्टर में भी सेम चीज रिपीट होता है। तो आपको यहाँ पर एक बात समझना होगा कि ये आप 2 क्लास चैप्टर के लिए पढ़ रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर के लिए भी, 5 चैप्टर के लिए भी। तो चलिए बच्चे लोग, ये क्या होता है तो जरा समझिएगा। यहाँ पे कुछ ऐसा पाया गया कि सबसे पहली बात, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लेना है। तो आपको पता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में डायरेक्शन एक होना चाहिए, उसके बाद इसका जो दूरी है वो भी एक होना चाहिए, ठीक है ना, डिस्टेंस भी एक है, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। अब क्या बोला गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखना है, तो चलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग रख देते हैं, ठीक है, माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक, इसको बोलते हैं माइनस क्यू, इसको बोलते हैं प्लस क्यू, इसका नाम है ए और इसका नाम है बी,
आप कहिएगा कि सर एक बात हमको बताइए, आप ऐसे टेढ़ा क्यों रखे, आप सीधा क्यों नहीं रख लिए? अगर सीधा रखते तो एंगल 0 डिग्री हो जाता, ऐसे रखते तो एंगल 90 हो जाता, तो इससे क्या फर्क पड़ता? फर्क पड़ता, क्योंकि 0 का मतलब होता है स्पेशल वैल्यू, 90 का मतलब स्पेशल वैल्यू। फिर आप थीटा वो खा जाते, कॉस को खा जाते, कॉस 0 पूरा टर्म 0 कर सकता है, साइन 0 पूरा टर्म 0 कर सकता है, और कॉस 90 पूरा टर्म 0 कर सकता है। इसीलिए हमको अभी कोई स्पेशल एंगल नहीं मानना है, बल्कि थीटा मान लेना है। बाद में स्पेशल केस चेक करेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, पहले जनरल केस निकाल लेते हैं। तो जनरल केस में इसको मैं कितना डिग्री एंगल पर रखता हूँ? थीटा डिग्री पे। कितना पे रखता हूँ? थीटा डिग्री पे। तो इस बात को मैं यहां पे लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? लेट बी कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB विच प्लेस इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट थीटा एंगल। कौन से एंगल पर? थीटा एंगल पे। तो हमें क्या क्या निकालने हैं? तो सबसे पहले जो हमको निकालना है उसको बोलते हैं बउआ, यहाँ पे हमको तो रहना पड़ेगा ना, तो सबसे पहले यहाँ पे जो निकालेंगे उसको बोलेंगे ए नंबर में फोर्स। ठीक है, क्या निकालना है हमको? फोर्स। ठीक है, ए नंबर में हमको फोर्स निकालना है। ठीक है, चलिए। तो अब सवाल आता है कि कैसे निकालेंगे। तो देखो यहां पर ध्यान से देखना, अगर देखो अगर कोई यहां से लाइन निकल रहा है तो पक्की बात है यहां पॉजिटिव होगा, ठीक, और कहीं लाइन जा रहा है तो पक्की बात है निगेटिव होगा। मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ये बात बता दिया था कि पॉजिटिव से लाइन निकलता है, निगेटिव में लाइन जाता है। क्या बताइए, मैंने ये बात आपको बताई थी या नहीं बताई थी? बिल्कुल, अगर आप रेगुलर क्लासेज कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि पॉजिटिव में लाइन पॉजिटिव से निकलता है, नेगेटिव में जाता है। तो चलिए मान के चलते हैं कि ये वाला नेगेटिव इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? बिल्कुल चाहेगा। किस फोर्स से चाहेगा? तो F1 फोर्स से। चलिए ठीक है, और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव की तरफ जाना चाहेगा किस फोर्स से? F2 फोर्स से। तो आप बताइए, माइनस पे लग रहा है F1 फोर्स, प्लस पे लग रहा है F2 फोर्स, तो माइनस और प्लस मिला के उसको डाइपोल कहते हैं, तो डाइपोल पर कितना फोर्स लग रहा है? F1 प्लस F2। तो चलिए सबसे पहले सेपरेटली निकालते हैं F1 क्या है, F2 क्या है। तो यहां पर देखिएगा, F1 को हम लोग बोलेंगे, ठीक है, फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज। फोर्स किस पे लग रहा है? माइनस क्यू चार्ज पे। ठीक है, तो एफ का फॉर्मूला तो आपको पता है ना, एफ बराबर ई बराबर होता है एफ बाई क्यू। तो एफ बराबर क्या होगा? क्यू इंटू ई। तो क्यू की जगह यहाँ पर क्या लिखेंगे? कहिएगा सर माइनस क्यू, तो माइनस में मॉड ना लगा देंगे, ठीक है ना, क्योंकि चार्ज को माइनस में नहीं लेते हैं। और ई का मान, तो ई यहाँ निगेटिव होगा। कई लोगों को लगता है चार्ज के कारण निगेटिव आया, लेकिन नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण निगेटिव आया। क्यों? देखिए, फोर्स इस तरफ है और फील्ड उस तरफ है, तो फोर्स के उल्टा, फील्ड के उल्टा जाओगे तो माइनस लिखना पड़ेगा, तो ये माइनस मॉड खा जाता है। तो आपको F1 बराबर जो आने वाला है वह आने वाला है Q इंटू E, लेकिन किसके साथ? माइनस के साथ, ठीक है ना। और ये माइनस किसकी वजह से आया है बच्चे लोग? तो ये माइनस आया है आपको इसकी वजह से। अब चलिए आप बात करते हैं F2 का। तो F2 को क्या बोलेंगे बुआ? F2 को बोलेंगे फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज, फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, तो आप बताइए, तो F2 बराबर क्या होगा? F2 बराबर होगा क्यू, ठीक है ना, और यहां तो प्लस क्यू है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर है जिधर F2 है। देख लीजिए आप ध्यान से, जिधर फोर्स है उधर फील्ड है, तो दोनों यहां पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा F2 बराबर क्यू इंटू, तो हमको नेट फोर्स चाहिए, टोटल नेट फोर्स ऑन डाइपोल। अभी तक तो हम चार्ज पे निकाल रहे थे ना, नेट फोर्स ऑन डाइपोल। तो बताइए डाइपोल पर नेट फोर्स क्या होगा? एफ नेट बराबर, तो F1 प्लस F2, ठीक है, F1 प्लस F2। तो आप बताइए, तो F1 का मान क्या है? तो F1 का मान है माइनस क्यू ई, और प्लस F2 का मान है क्यू ई, तो नेट क्या होगा? जीरो।
ठीक है, तो फोर्स क्या है बउआ, जीरो। तो ये हमारा आ गया सबसे पहला। कोई आपसे पूछेगा कि यदि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म सॉरी यदि किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर नेट फोर्स क्या आएगा, तो जीरो। तो नेट फोर्स जीरो का मतलब हुआ कि वस्तु आगे नहीं बढ़ेगा, मतलब लीनियर मोशन नहीं होगा। न्यूटन साहब कह चुके हैं कि अगर किसी वस्तु पर बल नहीं लग रहा है और अगर वो रुका हुआ तो अपनी अवस्था पर रुका हुआ रहेगा। तो मतलब इसमें क्या बोलेंगे, नो लीनियर मोशन, नो लीनियर मोशन, क्योंकि यहाँ पे फोर्स जीरो है तो वह आगे खसकने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने क्या निकाल लिया बउआ, फोर्स निकाल लिया। बट हमें अभी क्या करना है, सिर्फ फोर्स नहीं निकालना है, हमें फोर्स के साथ यहाँ पर टॉर्क भी निकालना है। तो ए नंबर में फोर्स निकालना था तो बी नंबर में हम टॉर्क निकालेंगे। ठीक है, टॉर्क, ठीक है, बी नंबर में क्या निकालेंगे, टॉर्क। ठीक है, टॉर्क क्या है, तो क्लास इलेवेंथ का एक टॉपिक है, आप लोगों को पढ़ना था टॉर्क के बारे में। जब कोई चीज सीधा चले तो बल, और जब कोई चीज गोल गोल घूमे तो उसे टॉर्क। तो टॉर्क का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो देखिएगा, आइदर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, आइदर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप बताइए आइदर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या है, तो किसी भी एक का मैग्नीट्यूड, हमको माइनस प्लस से मतलब नहीं है, तो सीधे लिख सकते हैं क्यू इंटू ई। ठीक है, अच्छा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो जरा यहां ध्यान से देखिएगा, ठीक है, थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर कहते हैं, ओके, तो इसको सी बोलेंगे। ठीक है, तो आप बताइए ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो थीटा के सामने, तो देखिएगा इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं और इसको एच कहते हैं। तो अब देखिए इसकी बीच की दूरी टू ए है, ये तो हमको पता ही है कि एक डायपोल की बीच की दूरी क्या होती है, टू ए। तो हमको एच पता है, पी निकालना है, तो कौन सा थीटा, साइन थीटा। आपको पता है ना कि अगर ऐसा हो तो साइन थीटा बराबर होता है पी, मतलब कि बी सी बट्टा ए बी। तो बताइए बी सी बराबर क्या होगा, तो बी सी बराबर होगा ए बी इंटू साइन थीटा। तो ए बी को बोल सकते हैं टू ए साइन थीटा। तो आप बताइए बी सी का मान क्या हुआ बउआ, तो बी सी का मान हुआ टू ए साइन थीटा। तो टॉर्क बराबर, तो देखिए तो क्यू इंटू टू ए, क्यू इंटू टू ए, टू ए को आगे ले आइए, ठीक है, और ई को पीछे ले जाइए, तो ई और यहाँ पर क्या है साइन थीटा। तो आप बताइए तो टॉर्क बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, तो टॉर्क। और आप बताओ तो इस रिश्ते को क्या नाम दूँ, तो क्यू इंटू टू ए को पी कहते हैं। अभी तो मैंने पढ़ाया है कि इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मूला होता है क्यू गुने टू ए, तो पीई क्या हो जाएगा बउआ, साइन थीटा। ओके, पीई साइन थीटा, तो ये हमारा टॉर्क का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो अगर हमको पी का मान दिया होगा, ई का मान दिया होगा, थीटा का मान दिया होगा, तो आराम से मान निकाल लेंगे। तो यहां पर बताइए पी क्या है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल, पी क्या है बाबू, तो इलेक्ट्रिक डायपोल, ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा, और थीटा क्या है एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन पी एंड ई। ठीक है, तो पी और ई के बीच क्या एंगल है। तो अब सवाल आता है, यहां पे देखिएगा, अब सवाल आता है कि क्या इसका वेक्टर फॉर्म भी हो सकता है, कौन सा फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, तो बिल्कुल हो सकता है। साइन थीटा हटता है तो क्रॉस लगता है, तो अगर टॉर्क को देखिएगा तो ये आपको ऐसे भी मिल जाएगा P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ठीक है, तो ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, तो आप अगर मान के चलिए P यहां है, ठीक है, और E यहां है, तो टॉर्क ऐसे होगा, ठीक है, मतलब दोनों पर 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारा प्लेन आ जाएगा, इस तरह से हमारा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो आप आई थिंक आप ये समझ चुके होंगे कि अगर पी, आप ये क्रॉस प्रोडक्ट का गुना भाग, तो ये तो आपको क्लास इलेवेंथ का है, आप उसको वहां देखिए। आपको नहीं पता है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां वेक्टर का क्लास कर लीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट का समझ जाइएगा, यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कर लीजिए। और अगर सवाल आएगा तो मैं तो बता ही दूंगा। तो आपको ये इतना समझ में आया बच्चे लोग कि हम लोगों ने यहाँ पे वेक्टर, तो एक बात बताओ क्या टॉर्क जीरो है, नहीं, तो टॉर्क जीरो नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा, रोटेशन होगा,
फोर्स जीरो नहीं होता है तो लीनियर मोशन होता है, और टॉर्क जीरो नहीं होता तो रोटेशनल मोशन होता है। तो वहां तो फोर्स जीरो हो गया, तो मतलब वहां लीनियर मोशन नहीं होगा, लेकिन कौन सा मोशन होगा? रोटेशन। मतलब ये आगे नहीं बढ़ेगा लेकिन अपनी जगह पर। देखिए ना, अगर कोई किसी का चुड़की पकड़ ले, किसी का बाल पकड़ ले, ऐसे कर दे, तो वो आगे गया ना पीछे गया, लेकिन वहां पर नच जरूर गया। तो नच गया कि नहीं नच गया? तो नच गया। यहाँ पे मैंने फोर्स निकाला और क्या निकाला? टॉर्क निकाला। फोर्स निकाला और क्या निकाला? टॉर्क निकाला। ठीक है, तो अब सवाल आता है कि क्या और भी इसमें कुछ है? बिल्कुल है। तो फोर्स हो गया, टॉर्क हो गया, इसके बाद वर्क डन कहेगा आपसे कि वर्क निकाल के दिखाइए। तो अभी हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं बुआ? वर्क डन। ठीक है, सी नंबर में निकालने जा रहे हैं वर्क डन। वर्क डन, ठीक है, सी नंबर में क्या निकालने जा रहे हैं? वर्क डन। ठीक है, तो देखिए वर्क डन कैसे निकलता है। तो चलिए वर्क डन देखते हैं। ठीक है बाबू, थोड़ा पानी वानी पी लीजिए आप लोग, वर्क डन देखते हैं। ठीक है, तो वर्क डन में देखिए क्या है बच्चे लोग, यहां पर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। ठीक, यहां पर डाइपोल आपका एक माइनस है और एक यहाँ पे क्या है? प्लस है। ठीक, और डाइपोल को क्या बोलेंगे? पी। शुरुआत में ये थीटा एंगल पे था, ठीक है ना, अब मैंने इसको घुमा के कर दिया है, अब मैंने इसे घुमा के कर दिया है डेल्टा थीटा। ठीक है ना, मतलब इसको थीटा टू पे कर दिया, थीटा वन से कितना घुमा दिया? थीटा टू पर। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, वर्क डन बराबर क्या होगा? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? तो पता है आपको वर्क डन का फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा सर इसका फॉर्मूला, तो जहां तक हमको लगता है, एक मिनट इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ ताकि हमको समझाने में दिक्कत नहीं हो। हाँ, आप कहिएगा सर वर्क का फॉर्मूला तो होता है, हम लोग जहां तक पढ़े हैं, फोर्स एस है ना, एफ डॉट एस, ऐसा होता है। देखो बच्चे लोग, हमने आपको शुरुआत में बोला था कि जब कोई वस्तु सीधा चलेगा तो उसको फोर्स बोलेंगे, और जब कोई वस्तु गोल गोल घूमेगा तो उसको टॉर्क बोलेंगे। तो हमारा यहां पर क्या हो जाएगा? W बराबर टॉर्क हो जाएगा। ठीक, अच्छा, और जब कोई वस्तु सीधा चले तो इसको दूरी बोलेंगे, और जब कोई वस्तु गोल गोल घूमे तो उसको दूरी नहीं, एंगल बोलेंगे। ऐसे बोलते हैं ना, हम इतना दूर चले हैं, कब? जब तुम सीधा चलता है, और जब कोई चीज गोल गोल घूमता है तो हम बोलते हैं इतना डिग्री एंगल घूम गया है। तो घूमने के लिए ये गोल गोल घूम रहा है ना, तो ऐसे गोल गोल वाले के लिए यहाँ पर एंगल क्या हो जाएगा? डी थीटा, है ना, यहाँ पर एस और यहाँ पर क्या हो जाएगा वो डी थीटा, मतलब एस के लिए थीटा और एफ के लिए टॉर्क। ठीक है, तो बताइए डी डब्ल्यू का फॉर्मूला यहाँ क्या होने वाला है? यह होने वाला है टॉर्क इंटू डी थीटा, छोटे वैल्यू को बड़ा करना है तो इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब बताइए डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन मैं भी करने वाला हूं, रुक जाओ। टॉर्क का फॉर्मूला अभी क्या निकाले? तो अभी मैं निकाला हूं पीई साइन थीटा, यहां पे निकाला हूं ना अभी पीई साइन थीटा, और इंटू यहां पर क्या लिखूंगा? डी थीटा। कहां से कहां? थीटा वन से थीटा टू। ठीक, तो यहां से क्या बोलूंगा? W1 से W2, मतलब हमको एंगल निकालना है, कहां से घुमाना है? थीटा वन से। कहां तक घुमाना है? थीटा टू तक। ठीक है ना, शुरुआत किए थीटा वन पे, अंत होगा थीटा टू पर। ठीक है, तो अब बताओ DW का इंटीग्रेशन क्या होता है? W, थोड़ा मोड़ा इंटीग्रेशन तो उम्मीद कर सकते हैं आपको आता होगा नहीं? DW का इंटीग्रेशन W, और अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, जब कोई टॉपिक नहीं आता है तो सब कुछ का नोट्स या सब कुछ का उपाय हमारे प्लेलिस्ट पे पड़ा हुआ है, जाइए वहां पर देख के आ जाइए, फिर पढ़ लीजिए एकदम तक, सब कुछ आपके सामने है। इस वीडियो को रोक करके जाइए, थोड़ा इंटीग्रेशन पर क्या जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपको, ठीक है ना, बेसिक मैथमेटिक्स वाले मिल जाएगा। तो पीई, पी कांस्टेंट है तो बाहर, ई कांस्टेंट है तो बाहर, अंदर खाली क्या बच जाएगा? साइन थीटा। कहां से कहां? थीटा वन से थीटा टू। ठीक है, तो अब बताओ यहां पर क्या करेंगे? डब्ल्यू मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, ये इंटीग्रेशन का होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। पी ई बउआ साइन थीटा का होता है माइनस कॉस थीटा, इंटीग्रेशन थीटा वन से थीटा टू। ठीक है ना, इसको बोलेंगे डेल्टा डब्ल्यू। पी ई, ठीक, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? कॉस थीटा। ठीक, थीटा वन से थीटा टू। ठीक है, तो आप बताइए डेल्टा डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा? माइनस पी ई, और ये हो जाएगा कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। ओके, फाइनल माइनस इनिशियल। तो आप बताइए यहां से डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, ये हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू बराबर, है ना, अंदर भेज देंगे तो इसको बोलेंगे पी ई, और यहां पर क्या बोलेंगे? कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। देखो क्यों,
क्योंकि जब इस माइनस को अंदर भेजेंगे तो कुछ इस तरह से रिपोर्ट आएगा। और अगर मान के चलिए हमको ये थीटा वन और थीटा टू वाला झंझट नहीं होता तो मैं सीधे यहाँ पे लिख सकता था वर्क डन बराबर माइनस पीई कॉस थीटा। बोलिए ऐसा लिख सकता था, ठीक है, वर्क डन बराबर माइनस पीई कॉस थीटा। तो एक बात बताओ, अगर मैं इसका वेक्टर फॉर्म लिखता, कौन सा फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, तो बताइए डब्ल्यू बराबर क्या लिखता, तो मैं लिखता माइनस पी वेक्टर डॉट, कॉस हटेगा तो डॉट लगेगा, ठीक है, ई वेक्टर, ये हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अब अगर मान के चलो हमने ये फॉर्मूला निकाल लिया और हमें थीटा वन और थीटा टू का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में, मान लीजिए थीटा वन बराबर जीरो डिग्री से थीटा टू बराबर 90 डिग्री तक, तो आसानी से निकाल सकते हैं ना, एक बार जीरो डिग्री एक बार 90 डिग्री, थीटा वन बराबर 180 डिग्री से थीटा टू बराबर 90 डिग्री, तो ये तो थीटा वन और थीटा टू का मान देना रहेगा, उठाया खाली रखना है इसमें, ठीक है ना, तो ये हमारा बच्चा वाला बात हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिएगा, जब एंगल जीरो डिग्री होगा तो उसको बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, थीटा बराबर कितना डिग्री, जीरो डिग्री, तो स्टेबल। स्टेबल मतलब क्यों बोल रहा हूं बताऊंगा, और जब 180 डिग्री होगा तो उसको बोलेगा अनस्टेबल। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं जरा देखिए, मान के चलो कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और अगर यहां पे नेगेटिव है और यहां पे पॉजिटिव है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर पी होता है, ठीक है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो दोनों एक ही तरफ है, तो ये एकदम आसानी से रहेगा, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव वाला इसको खींच के रखेगा, ये नेगेटिव वाला इसको खींच के रहेगा, तो सिंपल तरीका से रहना चाहेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर अनस्टेबल वाले में देखिएगा, तो ये पॉजिटिव है और ये क्या है बोगा नेगेटिव, और यहां पे भी तुम नेगेटिव डाल दोगे, आप देखो ये हमारे पास क्या है बच्चे लोग, दोनों क्या है अपोजिट है, तो जब अपोजिट है तो कितना डिग्री, 180 डिग्री। अब देखो जैसे ही मौका मिलेगा ये प्लस इस प्लस को धक्का देगा भाग यहां से, और ये माइनस इस माइनस को धक्का देगा, तो ये सबसे अनस्टेबल है कि नहीं, और इसमें क्या स्टेबल है, प्लस वाला माइनस को पकड़ ले जाएगा, माइनस वाला प्लस को, ठीक है, तो जीरो डिग्री पर स्टेबल होता है, 180 पर अनस्टेबल। तो आई थिंक आपको ये वर्क डन समझ में आ गया होगा कि मुझे, एक बार फिर से आप इसको देख लीजिएगा। तो हम लोगों ने अभी क्या किया है, क्या क्या निकाल लिया, सो देखिए हम लोगों ने निकाल लिया है बुआ नेट फोर्स, सॉरी थोड़ा इसको छोटा कर देते, नेट फोर्स निकाल लिया है, नेट फोर्स के बाद टॉर्क निकाल लिया, टॉर्क के बाद वर्क डन निकाल दिया है, और वर्क डन के बाद एक चीज हमको और निकालना है डी नंबर में, ठीक है ना, तो वो मैं निकाल रहा हूं डी नंबर में, टाइम पीरियड, डी नंबर में टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी कि कितना टाइम पीरियड लगेगा, ठीक है ना, मतलब टी, मतलब ये देखिए जैसे हम इसको मान के चलिए स्प्रिंग की तरह इसको छोड़ दिए, ठीक है, तो ये क्या होगा, नीचे आएगा, ये इसको ऐसे खींचेगा तो सीधे ऐसे हो जाएगा, सोचो ना कोई आदमी ऐसे खड़ा उसको खींचेंगे तो सीधे ऐसे हो जाएगा, तो ये एक के मत ऐसे नहीं होगा, थरथराते रहेगा ऐसे ऐसे, तो बताइए इसका टाइम पीरियड होगा कि नहीं होगा, एक टाइम पीरियड में कितना बार अपना चक्कर पूरा कर रहा है, ऐसे जाकर ऐसे आने में कितना टाइम लग रहा है, उसको टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है, तो वो टाइम पीरियड क्या होगा इसका, तो टाइम पीरियड के लिए हम लोग यहाँ पे अभी निकालने वाले टी का मान, ठीक है, चलो टाइम पीरियड, ओके, तो आपको यहां पे मैं बता दूं कि टाइम पीरियड की वैल्यू कैसे निकलेगी, ठीक है, तो टाइम पीरियड की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहली बात रीस्टोरिंग टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क, ये एक फॉर्मूला होता है आपको टॉर्क का, आई इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा, ठीक, और एक टॉर्क का हम फॉर्मूला निकाले हैं पीई साइन थीटा, लेकिन साइन थीटा को हम लोग थीटा बोलेंगे, सर क्यों ऐसा बोलिएगा, क्योंकि देखो जब एंगल बहुत स्मॉल हो ना तो साइन थीटा को थीटा, टेन थीटा को थीटा और कॉस थीटा को वन कहते हैं, ठीक है, कैसे, देखो ये थोड़ा थोड़ा ऐसे वाइब्रेट करेगा, तो आप बताओ तो एंगल बहुत ज्यादा बन रहा है क्या, ऐसे ऐसे बन रहा है क्या, नहीं बन रहा, बहुत थोड़ा थोड़ा एंगल बन रहा है, तो यहां पर क्या होगा, इस दोनों हालात में इसको हम बराबर कर देंगे, तो आई ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा बराबर पीई थीटा, थीटा से थीटा काट देंगे तो यहां से ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा पीई बट्टे आई, तो रूट अंडर पीई बट्टे आई, ठीक है। अब सवाल है ओमेगा का मान इतना है तो टाइम पीरियड, तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है टू पाई बट्टे टी, तो ये हो जाएगा पीई बट्टे आई, तो वन बाई टी बराबर हो जाएगा वन बाई टू पाई रूट अंडर पीई बट्टे आई, ठीक है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर पलट जाएगा, है ना, ऊपर ये टी ऊपर तो ये भी ऊपर, और ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो आई बट्टा पीई, तो ये टाइम पीरियड का मान आया। अगर हमसे पूछेगा फ्रीक्वेंसी का मान,
ए बी सी डी ई, ई में अगर हमसे पूछेगा कि भाई फ्रीक्वेंसी का मान बताओ, कि फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/T, ठीक है। तो 1/T का मान तो यहाँ निकला हुआ ही है, तो हम लोगों ने क्या किया, लगभग लगभग सारी बातें डाइपोल का एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखकर सब हम लोगों ने निकाल दिया, ठीक है। तो इतना कॉन्सेप्ट इनफ है आपके लिए बाबू। लेकिन कहिएगा सर इतना क्यों पढ़ा रहे, क्योंकि के पाठक है भाई, हमको सब पढ़ाना है, कंप्लीट करना है। तो इसीलिए भाई साहब क्रैश कोर्स नहीं चल रहा है, क्रैश कोर्स जब लेकर आएंगे ना तो वहाँ शॉर्ट पढ़ाएंगे, पर यहाँ पे तो मैं आपको पूरा लॉन्ग पढ़ाऊंगा। तो ये आपके पास क्या है बच्चे लोग, चीजें हैं, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। जल्दी नोट कीजिए इसको। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की सबसे बड़ी बात यह था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहते हैं, हम लोगों ने वो देखा। इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब हम लोग एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो हमें क्या क्या प्राप्त हुआ, वर्क डन, नेट फोर्स, टॉर्क एंड टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल में रखे थे ना, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के पास तो चार्ज है, तो चार्ज है तो उसके भी फील्ड क्रिएट होगा, तो इलेक्ट्रिक डायपोल खुद ही फील्ड क्रिएट कर रहा है। तो आज भी हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के द्वारा एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए हम लोग आज का हेडिंग देते हैं, हेडिंग है आज का हमारा हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालने जा रहे हैं बुआ हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ऑन एक्सियल लाइन, ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू, किसके कारण से बउआ, ड्यू टू इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। चलिए यहां देखिए, यहां देखिए हमारे पास क्या है कि सॉरी, सबसे पहले हम लोग, सबसे पहली बात है कि एक्सियल लाइन किसे कहते हैं, जरा देखिएगा। सबसे पहला बात है कि एक्सियल लाइन क्या है, एक्सियल लाइन, ओके। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखो बच्चे लोग क्या है, जैसे मान के चलो कि एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज है जिसको हम लोग क्यू बोलते हैं, इसको हम लोग ए बोलते हैं, ठीक है। ये 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ध्यान से इसको देखिएगा, फर्स्ट 5 नंबर है, और ये प्लस है, इसको क्यू बोलते हैं, और ये बी है, ओके। तो अब क्या है, इसके बीच की दूरी है। तो एक बात बताओ, मैंने शायद आपको बताया था कि डाइपोल्स के बीच की दूरी 2a होती है, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये दूरी a है, ये डिस्टेंस a है, ओके। ये डिस्टेंस क्या है, a है, और उसके बाद यहाँ पर एक लाइन आपको खींचना होगा। ये कौन सा लाइन होगा, तो दो चार्जेज को मिलाने वाली रेखा को, दो चार्जेज को जो लाइन मिलाती है उस लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्सियल लाइन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, एक्सियल लाइन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, एक्सियल लाइन, ठीक है। तो जो लाइन दोनों रेखा को मिलाती है उसे हम लोग कहते हैं बच्चे लोग एक्सियल लाइन, ठीक है ना। तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सियल लाइन। तो यहां पर बोलना पड़ेगा द लाइन ज्वाइनिंग, क्या बोलूंगा बउआ, द लाइन ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग बिटवीन बिटवीन टू चार्जेज इज कॉल्ड एक्सियल लाइन। मैंने क्या बोला, द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्जेज इज कॉल्ड एक्सियल लाइन, ठीक है। तो इस लाइन को हम लोग कौन सा लाइन बोलेंगे, एक्सियल लाइन। अब हमको यहीं पे सारा चीज करना है, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये लाइन तो मैं इसका पहले नाम दिया हूं ए ओ बी। अब एक बात बताओ, ये लाइन तो बहुत बड़ा है, लाइन का मतलब क्या होता है, इसका अंत ना हो, बहुत बड़ा लाइन है, तो उस लाइन का कोई ना कोई तो पॉइंट हमको गिनना, सॉरी चुनना पड़ेगा ना, जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो मान लो कि मैंने एक पॉइंट चुन लिया पी, कौन सा पॉइंट चुन लिया पी, जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, तो ये पी की वैल्यू कहां से मानेंगे, तो सेंटर से, ठीक है ना। तो सेंटर से मान के चलिए तुमने पी पॉइंट चुना है, वो कितना दूरी पर चुना है, 8 दूरी पर, ठीक है। अब सवाल आता है कि सर मैं यहाँ बी से क्यों नहीं चुना हूं, ए से क्यों नहीं चुना हूं। देखो ये डाइपोल है,
और ये डाइपोल का मतलब होता है वो फिनोमिना जो मॉलिक्यूल से पाया जाए, तो मॉलिक्यूल्स घूमते घामते रहता है, तो कुछ भी घूमेगा ना तो ये दूरी बदल जाएगा, ये दूरी बदल जाएगा, पर सेंटर की दूरी नहीं बदलेगी, ठीक है ना। इसीलिए सेंटर से आप मानोगे तो आपके लिए एक्जियल और इक्वेटोरियल हर जगह पे आपको सेंट्राइज फोर्स आपको मिल जाएगा, मतलब वो सही होगा आपके लिए, ठीक है। तो हम लोग सेंटर से क्या मानेंगे, आर दूरी। तो बताओ बच्चे लोग यहां पर, तो इस बात को लेट बी कंसिडर लिखना है, तो लेट बी कंसिडर कैसे लिखेंगे, तो यहां पे मैं लिख देता हूं क्योंकि मुझे यहां पे प्रूफ करना है। तो लेट बी कंसीडर कंसीडर ए एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी, ओके, ऑफ डिस्टेंस टू वे। We have to find out, हमें प्राप्त करना है, we have to find out value of electric field, we have to find out value of electric field on, we have to find out value of electric field on P point, P पॉइंट ऑन एक्जियल लाइन। P पॉइंट हमने कहां पे माना है बुआ, ऑन एक्जियल लाइन विच इज एट, जो कि कितना दूरी पर है, विच क्या स्पेलिंग क्या लिखा गया, ठीक है। तो यहां पे बोलेंगे विच इज एट आर डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस फ्रॉम मिड पॉइंट, फ्रॉम मिड पॉइंट, ओके। तो आप बच्चे लोग एक बात बताइए, ठीक है, हाँ, ये माइनस है और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो पता है ना माइनस अपनी ओर होता है और प्लस दूर होता है, क्योंकि देखो यहां पे एक टेस्ट चार्ज ला के रखोगे तो माइनस उसको अपनी ओर खींचेगा और प्लस उसको उधर ढकेलेगा। आप बताइए कितने चार्जेज है, दो, तो कितने इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे, दो, दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि सिंगल पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं, तो वो माइनस वाला इसको अपनी ओर खींचेगा, ठीक है, तो कितना खींचेगा, ई ए, ठीक, ओके। तो हमको ई ए का मान पहले पता करना है, तो ई ए को क्या बोलते हैं जरा बताओ, तो ई ए को यहां पर बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले किसके द्वारा, माइनस क्यू चार्ज के द्वारा, तो ई ए बराबर क्या होगा, के माइनस क्यू, तो यहाँ पे माइनस की जरूरत नहीं पड़ रहा है क्योंकि मॉड लग जाएगा, और बीच की दूरी, तो ए पॉइंट से यहाँ तक की दूरी, तो ये तो आर है और प्लस ये ए है, तो ये कितना हो जाएगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमने किसका वैल्यू निकाल लिया, ई ए का। अब बात करते हैं ई बी का, तो अब बताइए ई बी पास में है तो ये इसको धक्का देगा, कितना से धक्का देगा, ई बी से, क्योंकि प्लस है तो प्लस को धक्का देगा, ठीक है। तो अब बताइए यहां पर ई बी को क्या बोलेंगे, ई बी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, ई बी बराबर के क्यू, बीच की दूरी बोलिए। तो देखो ये डिस्टेंस हमको चाहिए, तो टोटल दूरी आर है, ये दूरी ए है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, तो पक्की बात है आर में से ए घटेगा तब ना ये बचेगा, क्योंकि देखो पूरा दूरी आर है, ये ए है, तो ये दूरी क्या होगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ दोनों अपोजिट है, एक दूसरे के क्या है, उल्टा है, तो अपोजिट है तो घटेगा और सेम रहता है तो जुटता है, तो आप बताइए किस में से कौन घटेगा, बड़का में से छोटका घटेगा, ठीक है। तो आप बताइए यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, ई नेट बराबर, जब तक वेक्टर लगा रहेगा तब तक ये जुटा हुआ दिखाई देगा, ई ए
प्लस ई बी। लेकिन अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूंगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको सिंपल देखने को मिलेगा, ई नेट बराबर आपको मिलेगा ई, कौन बड़ा है, बी बड़ा है किससे, ए से, तो ई बी माइनस ई ए। आप चाहे तो डायरेक्शन भी रखकर कर सकते हो, वेक्टर वाले तरीके से कर सकते हो, बहुत सारा तरीका है, लेकिन अपोजिट में घटता है, सेम में जुड़ता है, न्यूमेरिकल में भी हम लोगों ने देख रखा है, ठीक है। तो अब बताओ बच्चे लोग, ई बी का मान कितना है, तो ई बी का मान है के क्यू बट्टा दूरी, बोलिए आर माइनस ए का होल स्क्वायर। और बताओ ई ए का मान कितना है, तो के इंटू क्यू बट्टा आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप बताइए यहाँ से ई नेट बराबर क्या हो जाएगा, के कॉमन हो जाएगा, क्यू कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा वन बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस वन बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप बताइए यहाँ से कुछ बट्टा पर का जोड़ वगैरह वाला काम कर ले, ठीक है, तो ये आराम से हो जाएगा के क्यू, ठीक है, बट्टा पर का जोड़ करेंगे तो ये हो जाएगा आर माइनस ए और आर प्लस ए का होल स्क्वायर। और ये देखो इससे ये कटेगा तो ये यहाँ आ जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए के क्यू ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए आर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए आर, ओके। अच्छा, और ये क्या हो जाएगा बुआ, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखो के क्यू, और ये हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए आर माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस टू ए आर, ठीक है। और बट्टा यहाँ पर क्या हो जाएगा बुआ, एकदम सिंपल सी बात है, आप आराम से प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ कटने वाला है, जैसे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा के क्यू, और ये आ जाएगा दो आर प्लस दो, कितना हो जाएगा लिख सकते हैं टू ए गुने टू आर, क्योंकि इसी को तो बोलते हैं दो दो चार यानी फोर ए आर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर तो यही रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। और बट्टा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ ऐसे लिखा जा सकता है कि क्यू गुने टू ए को, क्यू गुने टू ए को हम लोग लिख सकते हैं पी, ठीक है, क्या लिख सकते हैं पी। तो ये हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ नहीं है, आपको लंबा लग रहा होगा पर ये स्टेप बाय स्टेप है, ठीक है। के, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में स्टेप का ही नंबर मिलता है, तो क्यू गुने टू ए को क्या बोलते हैं पी। अगर इसी को देखिएगा, अगर कोई नीट पढ़ाते वक्त अगर हम लोग टारगेट का बैच पढ़ाते तो सात से पांच लाइन में लपेटे खींच के फेंक दिए होते हैं, लेकिन हमको वहाँ बोर्ड पे ध्यान देना है ना, इसलिए बोर्ड के हिसाब से भी काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो बताइए तो हमारा ई का वैल्यू क्या आएगा, तो ई का मान आ जाएगा के टू पी आर बट्टे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का पावर होल स्क्वायर, ठीक है, पावर होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा ई किसके लिए आ गया बउआ, एक्सजीएल के लिए, किसके लिए, एक्सजीएल के लिए, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे हमको नोटिस करवानी है आपको, ठीक है ना, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे देखिए, तो बउआ नोटिस क्या करना है कि देखो ये बड़ा है और ये छोटा है, मैंने बोला ना कि ये पास में लगा रहा तो ये बड़ा होगा, तो बड़ा में से छोटा घटेगा तो रिजल्टेंट तो बड़े की ओर ना होगा, ठीक है ना, दस में से पांच घटेगा तो पांच उन्हीं ना बचेगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा है, ध्यान से देखिए, ठीक। और डाइपोल की दिशा किधर होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है। तो ध्यान से देखो, जिस तरफ पी का डायरेक्शन है उसी तरफ ई का डायरेक्शन है, मतलब दोनों एक ही तरफ है। तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म यहाँ पे लिखूंगा, वेक्टर फॉर्म यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, तो ई पर वेक्टर लगाऊंगा तो पी पर भी क्या लगाऊंगा, वेक्टर, क्यों, क्योंकि दोनों सेम दिशा में है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि ई वेक्टर एंड पी वेक्टर कौन से केस के लिए, एक्सियल केस के लिए, मेक थीटा, मेक जीरो डिग्री एंगल, मेक जीरो डिग्री एंगल, मतलब एक दूसरे के तरफ ही होंगे, ठीक है। तो ये आया, बट अगर एक केस में यहां पर ये लेके चलता हूं
कि हमारा डाइपोल यदि शॉर्ट हो, तो अगर मैं बोलूंगा शॉर्ट डाइपोल के द्वारा, तो पता है शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या होता है, ये देखिए शॉर्ट डाइपोल का मतलब हुआ कि ये वाला जो दूरी है वो ज्यादा होना चाहिए और ये वाला दूरी कम होना चाहिए, मतलब कि आपको ए का वैल्यू कम मिलेगा, आर की वैल्यू ज्यादा मिलेगी, ठीक है ना। तो ऐसे हालात में क्या कीजिएगा, जैसे ही बोलेगा शॉर्ट डाइपोल तो आप सीधे लिख दीजिएगा आर जो है वो बड़ा है किससे, ए से, ठीक, पक्की बात है। शॉर्ट का मतलब हुआ कि दूरी कम और जो तुमने माना है दूरी वो ज्यादा होगा, और डाइपोल की अपनी दूरी क्या होगी, कम। तो यहाँ पे बोल सकता हूँ आर स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए स्क्वायर। क्यों, क्योंकि देखिए बच्चे लोग ए की वैल्यू मैं ऐसे समझा सकता हूँ आपको, देखो 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 आएगा, लेकिन 0.1 का स्क्वायर करोगे तो 0.01, मतलब छोटे संख्या को स्क्वायर करने पर वैल्यू और घटता है और बड़े संख्या को स्क्वायर करने पर वैल्यू और बढ़ता है, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, 100 की तुलना में 0.1 का जोड़ना या घटाना कोई वर्थ होता है, बिल्कुल नहीं। तो आप मान के चलो कि ए स्क्वायर लगभग लगभग क्या हुआ, जीरो। तो इस फॉर्मूला में जहां जहां भी ए स्क्वायर है वहां वहां जीरो रख दो, मतलब एग्जैक्ट जीरो तो नहीं है लेकिन 0.01 को जीरो ही मान के चलो, ठीक है। तो अब बताइए तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ई ए बराबर के 2πr बट्टा आर स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर के पावर 2। तो बताओ तो ई ए बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा के 2πr बट्टे आर क्यू। तो कट जाएगा तो ई ए का मान आ जाएगा बुआ के 2π बट्टे आर क्यू, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखिएगा तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि ई ए जो है वो दूरी के साथ कैसा रिलेशन में है, तो क्यूब वाला, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ग्राफ अगर ऐसा बनाना चाहे तो ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना, ई प्रोपोर्शनल 1πr³, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया किसके लिए बुआ, एक्सियल लाइन के लिए हम लोगों ने क्या किया, इतना वैल्यू निकाल लिया। बट अब हमें निकालना है इक्वेटोरियल लाइन के लिए, ठीक है। तो आप जल्दी से एक्सियल लाइन का एक बार रिव्यू वर्जन देख लीजिए, आप एक्सियल लाइन को एक बार समझ लीजिए जो मैंने आपको पढ़ाया है, और एक्सियल समझ में आ जाए तो हम लोग इक्वेटोरियल पे चलेंगे, ठीक है। तो इक्वेटोरियल के लिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, इक्वेटोरियल हम लोग यहाँ देखेंगे। तो एक्सियल आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा, एक दो बार वीडियो को देखिए क्योंकि ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, तो उम्मीद करते हैं कि आप बढ़िया से इसको बनाइएगा।